This is patient monitor. The patient monitoring system is a very critical monitoring system. It is used for the physiological monitoring signals as a electrocardiogram, ECG, and respiration, and visible, non-visible blood pressures, and SpO2, and body temperatures, and other gases. Okay. और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे SpO2 प्रोब लगाया है, यहाँ पे NIBP, यहाँ पे टेम्परेचर, एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड ECG. ओके. और ये जो बेबी के पैर में लगाया है ये SpO2 प्रोब लगाया है, यहाँ पे आपको हार्ट रेट सीन हो रहा है, और यहाँ पे SpO2, यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, यहाँ पे डायस्टोलिक. ओके. यहाँ से जो है वो ऑन ऑफ होता है. ओके. और जब हम BP लेते हैं तो ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके. बाकी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, तो आप वो जाके देख सकते हैं. थैंक यू.